हमारे हिंदू शास्त्र में जो ज्योतिर्लिंग बताया गया है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ सोमनाथ में है, और हमारी सालों की डिमांड थी कि हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भावनगर से सोमनाथ का एक नेशनल हाईवे बनाया जाए। उसके लिए हमने बहुत सारे आंदोलन भी किए पूर्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब की आने के बाद ये राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर भी किया, और हमारे माननीय मिनिस्टर नितिन भाई गडकरी ने आके खुद उनका शिलान्यास भी किया। लेकिन 2017 तक ये मार्ग पूरा होने का था, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ये 2019 तक ये मार्ग का अभी कोई ठिकाना नहीं है। जो 5 पोर्शन में जो बटा है उसमें से कहीं वो 60% बना है, और उससे आगे तलाजा से आगे तो वो सिर्फ 15 से 20% तक ही ये मार्ग बना है। आगे कुछ भी वहाँ हो नहीं रहा है, लोगों को बहुत ही हालाकी हो रही है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के वजह से स्टेट भी उनमें कुछ नहीं कर रहा है, रोड भी काफी खराब है। और दूसरी मुश्किल सर ये है कि जो छोटे छोटे ठेकेदार है उनके जो पैसे हैं, उनके जो बिल हैं, वो भी अभी तक निपट नहीं रहे हैं, और बहुत ही परेशानी लोगों को भी हो रही है, और आवागमन में भी बहुत ही परेशानी हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा ये भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे जल्द से जल्द पूरा करवाना की कृपा करें। थैंक यू सर।